नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। खबर प्रयागराज से। प्रयागराज के फाफामऊ थाना क्षेत्र के गोहरी मोहनगंज मामले में नया मोड़ आया। अपर पुलिस महानिदेशक प्रेम प्रकाश द्वारा ट्विटर पर एक जानकारी साझा की गई, जिसमें उन्होंने फाफामऊ थाना क्षेत्र के गोहरी मोहनगंज में हुए सामूहिक हत्याकांड के मामले में पवन सरोज नामक एक युवक को गिरफ्तार किया है। उन्होंने यह भी बताया कि पवन सरोज द्वारा मृतिका ज्योति कुमारी काल्पनिक नाम को व्हाट्सएप पर लगातार मैसेजेस भेजे जा रहे थे एवं उनकी लड़की द्वारा आई हेट यू का मैसेज अंतिम बार पवन सरोज को भेजा गया। कॉल डिटेल और मोबाइल कॉल सीडीआर के खोजने पर यह भी पता चला कि दोनों के मध्य कई बार व्हाट्सएप कॉल किए गए हैं। मृतिका द्वारा पवन सरोज के कई मैसेजेस डिलीट किए गए हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इस पूरे मामले में मृतिका के साथ दुष्कर्म किया गया है, लेकिन यह सामूहिक दुष्कर्म है या किसी एक व्यक्ति द्वारा, यह अभी साफ नहीं है। आगे की फॉरेंसिक रिपोर्ट पर यह भी खुलासा हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने जानकारी दी कि इस पूरे मामले में इस सूचना के आधार पर एक नया मोड़ आ गया और पवन सरोज को हिरासत में ले लिया गया है। उसके सलाइवा को जांच के लिए भेज दिया गया ताकि मृतिका के शरीर पर मिले सलाइवा से मिलान किया जा सके। बाकी इसमें बरामदगियां होनी शेष है। अभी जो मिला है उसमें मोबाइल्स है, मोबाइल को फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा। जहां तक ये नामजदगी की बात है, अभी नामजदगी जिन भी व्यक्तियों की हुई है उनके भी मोबाइल की डिटेल निकाली जा रही है, उसको भी फॉरेंसिक परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन उन व्यक्तियों का अभी तक कोई मैसेज इस मृतका के मोबाइल पर नहीं पर जो ब्यूबिक है उसमें उसके वीडियो की पुष्टि हुई है। इसका मतलब उसके साथ दुष्कर्म हुआ था। कुछ जो बाइट्स के जो निशान हैं, जो काटने के निशान हैं, उनमें काफी सिमेट्री है, तो उसे लेकर जो मेडिकल। इस पूरे मामले में नया मोड़ आने के बाद यह निश्चित नहीं हो पा रहा है कि पूरे हत्याकांड के पीछे मुख्य कारण क्या था। अगर परिवार के द्वारा लगाए गए आरोपों को सत्य माने तो मामला जातिगत हिंसा और वर्चस्व की लड़ाई मानी जा सकती है, और अगर मोबाइल डिटेल और व्हाट्सएप डिटेल को सच माने तो इस पूरे मामले में पुलिस द्वारा जल्दबाजी में किए गए जांच कार्य और गिरफ्तारी के कारण एक और परिवार बर्बाद होने के कगार पर खड़ा है, क्योंकि उस परिवार पर अब भी हत्या का आरोप लगा हुआ है, जिसमें दर्ज आरोपियों में आरोपी ऐसा भी है जो पूर्ण रूप से शारीरिक अक्षम है। खुलासा कर रहे हैं कैसे इसका खुलासा हुआ, क्या कारण था कि जिसकी वजह से हत्याकांड हुआ। थाना फाफामऊ देखिए, चार व्यक्तियों की हत्या के संबंध में जो विवेचना की प्रगति से तथ्य आए थे उसके आधार पर आज इसका खुलासा किया गया, जिसमें एक अभियुक्त पवन सरोज ये लगभग 23 वर्ष का है और ये सजाती है, मृतक पक्ष की जाति का है। इनके द्वारा लगातार लड़की को परेशान किया जा रहा था, मोबाइल पर मैसेज दिए जा रहे थे और लड़की द्वारा उसको अस्वीकार किया जा रहा था, बार बार उसको मना किया जा रहा था। अंतिम मैसेज के आधार पर और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर पवन सरोज की गिरफ्तारी की गई है और इनके द्वारा अभी विवेचना में सहयोग नहीं किया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये बात सिद्ध हो गई है कि इनके द्वारा कुछ लोगों के सहयोग से हत्या की गई थी। नाम के बारे में इनके द्वारा कुछ नाम बताए गए हैं, जो नाम बार बार ये बदल बदल कर बता रहे हैं। हत्या में जो शामिल अन्य लोग हैं उनके बारे में भी विवेचना जारी है, उनकी और डिटेल डीएनए प्रोफाइलिंग उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जो अभी तक की नामजदगियाँ हुई थी उन नामजदगी में उनका आपस में एक छोटा विवाद केवल मृतक पक्ष के भाई से था, उसे लेकर अभी तक कोई एविडेंस ऐसा सामने नहीं आया है कि उनके द्वारा हत्या की गई है। इस पर अभी भी जो इन्वेस्टिगेशन चलेगी, सभी कॉल रिकॉर्ड्स डीएनए के जो रिजल्ट्स आएंगे उनके आधार पर आगे कार्रवाई की। अच्छा, पुलिस को कैसे शक हुआ सर, क्या आधार रहा पुलिस का? पुलिस के द्वारा जब मृतका का मोबाइल देखा गया तो उसमें कुछ मैसेज मिले थे और उसके साथ ही जब उन मैसेज के आधार पर पवन सरोज को पकड़ा गया तो पहले वो मना करता रहा कि मैंने कोई लड़की को मैसेज नहीं दिया, ना मैं लड़की को जानता हूँ, लेकिन जब उसको मैसेज दिखाया गया, उसका मोबाइल बरामद किया गया तो उस स्वयं के मोबाइल से उसमें मैसेज मिल गए। उसने गौरी मैम नाम से बच्ची का नंबर सेव किया हुआ था और जो मृतका की आयु है उसके प्रमाण हमें मृतका के मोबाइल से मिले हैं, जिसमें
जून 96 उसकी डेट ऑफ बर्थ है, जिससे जो पॉक्सो की धाराएं हैं वो भी इसमें कम की जा रही है। इस बच्ची के साथ युवती के साथ सामूहिक बलात्कार भी हुआ है, कुछ एविडेंस मिले हैं, खून ब्लड बलात्कार करने वाले